ये पोटेटो की खेती है और पोटेटो। हाय एवरीवन, वेलकम टू मीनल डायरी। तो ये ब्लॉग होने वाला है ऊंझा मोहड़ी का, क्योंकि हम सब फैमिली के साथ में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए ऊंझा मोहड़ी। तो आप भी चलिए हमारे साथ में और वर्चुअली दर्शन कीजिए हमारे साथ में। तो वडोदरा से हम 2 बजे निकल गए थे और जब सब साथ में होते हैं तो जर्नी में बहुत मज़ा आता है। अभी थोड़ा ही हम आगे गए थे और ये हो गया हमारा टी ब्रेक। तो थोड़ा बहुत नाश्ता हम घर से भी लेके आए थे। तो अभी हम ऊंझा पहुंच गए हैं और अभी 7 बज गए हैं और आने के बाद तुरंत ही उमिया भवन में रूम ले लिया था। तो वहां थोड़ा फ्रेश होके सब आरती और दर्शन के लिए मंदिर चले गए। सो फ्रेंड्स, अभी हम ऊंझा पहुंच गए हैं और हम जा रहे हैं सब पहले दर्शन करने और फिर जाके यहाँ से ही प्रसादी लेंगे। तो ये आप जैसे देख रहे हो मेरे पीछे मंदिर ही है, तो अंदर आपको दर्शन करवाते हैं। आने के बाद हमारा दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए, लेकिन अभी आरती को थोड़ी देर थी तो हम सब वहीं पे वेट कर रहे हैं आरती के लिए। सो दोस्तों, बहुत अच्छी हमारी आरती भी हो गई और चलिए मैं आपको पूरा मंदिर का व्यू बता देती हूँ कि कैसा लग रहा है ऊंझा का मंदिर। ऊंझा जो है वो अपने स्पाइस मार्केट के लिए काफ़ी फेमस है और वहाँ के जो मसाले हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और मिलते भी होलसेल प्राइस में हैं। तो हम लोगों को जो भी लेना था वो मंदिर के बाहर ही एक छोटी सी मार्केट थी, तो वहीं से हम लोगों ने ले लिया। बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम मेन मार्केट में जाए। मेन मार्केट में भी बहुत सारी शॉप्स रहती है लेकिन प्राइस में कुछ बहुत डिफरेंस रहता नहीं है। तो हम लोगों ने फिर वहीं से जो भी लेना था घर के लिए सब लोगों ने वहीं से फिर परचेज कर लिया। और ये देखिए, ये हम जहाँ पे रुके थे उमिया भवन में, ये उसका रूम है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो बेस्ट व्यू है वो बालकनी से आता है। वहाँ की जो बालकनी थी वहाँ से जो मंदिर का रात का जो व्यू था, इतना अच्छा व्यू था।
जय श्री कृष्ण। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल तो मेरे को टाइम नहीं मिला आपसे बात करने का, और आप मेरे पीछे व्यू देखिए खाली, कितना अच्छा है। ये मंदिर का व्यू है, और जहाँ पे हम अभी ठहरे हैं कुमिया भवन में, ये मैं उसकी लोबी से आपसे बात कर रही हूँ। तो और कल मुझे तो आपसे बात करने का मौका नहीं मिला, बिकॉज हमको एक्चुअली निकलना था बड़ौदा से 12 बजे के आसपास। बड़ौदा से ऊंझा का जो डिस्टेंस है वो 225 समथिंग है, 225 किलोमीटर। यस, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि हम 5 या 6 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँच जाएंगे, लेकिन फिर थोड़ा लेट हो गया हमको निकलते निकलते। तो हम जब आए 7:30 बजे हम पहुँच गए थे, तो तुरंत ही आरती का टाइम हो गया था, तो हम फटाफट से आरती करने गए। फिर प्रसादी का भी टाइम हो गया था, तो सबने प्रसादी ली, और सब तो यहाँ पे जीरा वड़ियाली मुखवास ये सब यहाँ की स्पेशलिटी है, तो वो थोड़ा ख़रीदना था। तो फिर वहाँ पे हम गए, थोड़ा बहुत शॉपिंग की हमने यहाँ की। तो बस देखिए आगे का प्लान जो है हमारा, वो अभी हम मौड़ी जाने वाले हैं। फिर आगे आगे जैसे ब्लॉग जाता है मैं आपको बता दी जाऊँगी, क्योंकि सब साथ में। अभी सुबह की मंगला आरती करके मैं, नीलम भाभी, सोनल भाभी हम साथ में हैं, तो हम 18 जन टोटल आए, हम सब फ्रेंड्स आए, सबके इनलॉज के साथ में आए हैं। सो हाय पापा, मैं आपको मेरे पापा से भी मिलवाती हूँ। yes. मेरे पापा मस्त। तो अभी जैसे जैसे आगे व्लॉग जाता है मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी हमारा प्लान है, हमारा जो जैन तीर्थ है आगलोड, और फिर जाना है मौड़ी। तो चलिए नजदीक जाते हैं जैन तीर्थ बामनवाड़ा। यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ से नज़दीक है बामनवाड़ा, 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और यहाँ हम जाते हैं और हम वहाँ पे जाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ऊंझा से निकल गए हैं और आगलोड पहुंचने में अभी आधा घंटा ही बाकी है, लेकिन बीच में देखिए हमारी पोटैटो की खरीदी। यहाँ पे अभी जो नए पोटैटो हैं वो निकले हैं, तो हम सब ले रहे हैं, बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, तो सब मैं बताती हूँ आपको। चलिए ये देखिए भाभी, मम्मी, दर्शना। 250 रुपए के 25 किलो आलू थे, और सब ने आलू की वेफर बनाने के लिए इतने सारे आलू लिए थे, लेकिन ये जो लेने का मज़ा था ना, वो एकदम माइंड ब्लोइंग था। आप देख रहे हो बड़े बच्चे सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। पकड़ो तो दर्शना, ले 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 ले, कौन है चाबी जा। हम पहुंचे हैं जैन आगलोड तीर्थ। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको जैन टेम्पल आगलोड का कैसा है। जैसे मौड़ी में सुखड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं, वैसे ही यहाँ आगलोड में भी मणिभद्र वीर दादा का दीरासर है, तो यहाँ पे भी प्रसाद चढ़ाते हैं, और सब गार्डन में बैठे हैं। बताती हूँ मैं आपको, सब बड़े बच्चे सब बैठे बद्दा शांति चील करो, छोकरा हो गई। सो अभी हम आगलोड से मौड़ी आ गए, लेकिन सुखड़ी का प्रसाद बंद है, और बस दर्शन भी वन बाय वन कोविड की वजह से डिस्टेंस में ही करने देते हैं, तो जितना हो सकता है उतना शूट करती हूँ, और फिर मैं बताती हूँ आपको आगे क्या होता है। मेरे साथ है रिशित। फ्रेंड्स अभी हुए हैं 4 बज गए हैं, और अभी हम सब वापस जा रहे हैं मौड़ी से। मौड़ी में दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए, लेकिन बहुत वीडियो शूट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोविड की वजह से बहुत स्ट्रिक्ट था। तो चलिए आगे जाते हैं, देखते हैं। तो बस थोड़े ही आगे हम एक रेस्टोरेंट में सब
खाना खाने के लिए रुक गए और फिर वहाँ से डायरेक्ट हम रात को 8 बजे के आसपास वडोदरा पहुँच गए। तो फिर आपको कैसा लगा ये व्लॉग आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मैंने आप सबको उंझा, मोड़ी, आगलोड सब जगह के वर्चुअली दर्शन करवाए, तो उसके लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर।